बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह एक नए टूर पे जा रहे हैं, तो ये हम आपको रास्ते में बताएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ जाने का हमारा इरादा। फिल वक्त मैंने पैकिंग कर ली है अपनी और मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुबशर भाई और जैन वो आएंगे और उनके साथ मैं फिर आगे निकलूँगा। आगे से हम मुबारक भाई को साथ लेंगे और अपना सफ़र हम शुरू करेंगे। अभी हम सियालकोट पहुँच गए हैं, तो यहाँ से अब आगे हमने सरगोधा जाना है। ये जनाब गाड़ी है पीछे और इस पे हम जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम हैं अपने कमरे में। रात को 2 बजे हम पहुँचे थे यहाँ पे सरगोधा लारी अड्डे, और लारी अड्डे के सामने बिल्कुल हमने एक होटल में कमरा लिया था, तो ये 20 नंबर कमरे में हैं हम। खाना खा लिया जनाब, तो अब जैन भाई चाय पीना चाह रहे हैं, तो अब पियेंगे चाय और उसके बाद आगे इंशाल्लाह। एक हो चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं जनाब सरगोधे से आगे, वहां से आगे अब हम एक गांव में आए हैं तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर। इस गांव का नाम है मेला, तो यहां पे हमने क्याम किया। तो यहां पे कोई होटल वगैरह तो गांव में नहीं था, लेकिन हमने MNA है यहां के, एक उसामा उनका नाम है, तो माशाल्लाह से वो बड़े अच्छे, उन्होंने हमें कहा जी आप ज़रूर रुकिए, हमें खुशी होगी अगर आप रुकेंगे। तो हम यहाँ पे हैं 4 से 5 दिन और यहाँ पे हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे। तो आइए आपको अब छोटा सा एक विज़िट करवाते हैं इनके डेरे का, बहुत छोटा सा और ख़ूबसूरत सा डेरा। तो चलिए, ये है जनाब हाल, तो ये मेरे पीछे आप देखेंगे ये डेरा है, ये पीछे माशाल्लाह से सहन भी बहुत बड़ा है, बस हम आपको दिखाता हूँ। मुबारक साहब और मुबशर भाई बैठे हैं, माशाल्लाह से जैन भाई यहाँ पर अपना ड्रोन खोल रहे हैं, एक ड्रोन उड़ाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर व्यू देखो, काफ़ी मेहमान नवाजी की है, जलेबियाँ इन्होंने पेश की हैं हमें, समोसे और चाय। ना हम इनको जानते हैं और ना ही ये हमें जानते हैं, सिर्फ हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम कुछ दिन यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो भी हमें इजाज़त दी है। उसके अलावा उन्होंने जो है ना हमारी काफ़ी मेहमान नवाजी भी की है। तो अभी हम चाय पियेंगे और जलेबियाँ खाएँगे और साथ समोसे गर्मा गर्म, और उसके बाद हम बाहर निकलते हैं और किसी बाग में जाते हैं और वहाँ से एक अच्छी सी वीडियो बना के आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये वो इलाका है और ये वो बागात हैं जहाँ से पूरी दुनिया में माल्टा जो है वो सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का माल्टा पाया जाता है, और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के बहुत ही मीठे माल्टे यहाँ पे जो है ना वो उगाए जाते हैं। वो तो हम आपको सैर करवाते हैं इंशाल्लाह, जो पूरी दुनिया में बेहतरीन माल्टों का शुमार होता है वो पाकिस्तान के इसी इलाके से जाते हैं, वो बहुत फेमस हैं बाहर पाकिस्तान के माल्टे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह,
ये जी पाकिस्तान माला माल है इस तरह के। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें पाकिस्तान को अता की हैं। ये देखें जी ये कितना ही उम्दा नज़ारा है आपको। तो हर तरफ यहाँ पे जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है हमें इस तरह के अभी शाम हो चुकी है तो अब हम वापसी जाएंगे जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो बहुत घूमे फिरे, काफ़ी हमने यहाँ पे माल्टे खाए या जी भर के, कुछ खट्टे निकले और कुछ मीठे निकले। कुछ हमने खाए तो वो काफ़ी खट्टे थे, कुछ थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, कुछ बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं वापसी और सुबह निकलेंगे किसी नई तरफ और एक नई और अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।